प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह शांति और आशीष मिले। यौहान 12 अध्याय के कुछ वचन में पढ़ रहा हूं। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे। उन्होंने, मैं कुछ सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, उन्होंने फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की कि हे श्रीमान, हमें यीशु से मिलना है। फिलिपुस ने इंद्रियास, जो दूसरा चेला था, उससे कहा और फिर दोनों इंद्रियास और फिलिपुस यीशु के पास गए और तब और उसको बताया कि कुछ यूनानी लोग तुझसे मिलना चाहते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो सारांश में, कुछ यूनानी लोग एक बड़े पर्व के लिए यरूशलेम आए थे और उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में सुना, शायद देखा, और तब वो प्रभु के एक शिष्य के पास, जिसका नाम फिलिपुस था, उसके पास आए कि हम गुरु से, रब्बी से, यीशु से मिलना चाहते हैं। और तब फिलिपुस और अंद्रियास, जो और एक चेला था, प्रभु से जाके बताते हैं और प्रभु यीशु कहता है कि अब वो समय आ चुका है और ये भी समय आ चुका है कि गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर जाए ताकि बहुत फल ला सके। तो ये यूनानी लोग थे और जैसे नाम से ही पता चलता है, यूनानी लोग ओरिजिनली यूनान के थे, ग्रीस के। और अगर आप ऐतिहासिक रीति से भी देखते हैं तो ये यूनानी लोग काफी अनैतिक लोग होते थे। कई बार नैतिकता की सीमाएं क्रॉस कर देते थे, है ना, मतलब लांग देते थे। ओलंपिक्स बहुत फेमस है और ओलंपिक्स यूनान से ही शुरू हुआ, जो स्पोर्ट्स और रेसेस होती है, विशेषकर दौड़ जो होती है। और बहुत शुरुआत के ओलंपिक्स में, बहुत सैकड़ों वर्ष पहले, स्त्रियां जा नहीं सकती थी उन गेम्स को देखने भी और ना भाग ले सकती थी। और ये स्टेज ऐसा भी आया ओलंपिक्स में कि जो पुरुष थे वो बिना किसी कपड़े अपनी सारी दौड़ करते थे। मतलब ऐसी पागलपन की चीजें ये लोग करते थे, नैतिकता की हदों को पार करते थे। और साथ में कहने के लिए बहुत धर्म कर्म के काम भी करते थे। जो एथेंस शहर था उस समय, उसमें बहुत सारी वेदियां थी, वो अलग अलग चीजों को मानते थे और सुपरस्टिशियस, काफी अंधभक्ति भी थी इनके अंदर। लेकिन हर ऐसे कौम में, हर ऐसी जाति में, हर ऐसे देश में सच्चे खोजी होते हैं, है ना। मक्कारों के बीच में भी सच्चे खोजी होते हैं, है ना। मकार में किसको कह रहा हूं, जो धर्म कर्म का एक दिखावा करते हैं लेकिन उनके जीवन में सब प्रकार की गंदगी और मरी और सड़ी हुई हड्डियां होती हैं। ये मैं अपने शब्दों में प्रभु यीशु के वाक्य को बता रहा हूं, मत्ती 23 में। तो इन जो सच्चे खोजी थे यूनानी, ये यहूदियों को देखते थे और उनको ऐसा लगा ये यहूदी किस चीज को मानते हैं। और जब उन्होंने और पता किया तो पता चला ये एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये किसी प्रतिमा के आगे झुकते नहीं हैं। तो इन कई यूनानियों ने यहूदियों से सीखा, उनकी पुस्तक पढ़ी,
जिसको हम पुराना नियम कहते हैं, और उन्होंने अपने पुराने तौर तरीके छोड़ दिए, अपने बुरे जीवन भी छोड़ दिए, क्योंकि व्यवस्था कई बातों में काफी सीधी बात करती है कि तू व्यभिचार ना करना, लालच ना करना, हत्या ना करना, माता पिता का आदर करना। तो इन यूनानियों पे बड़ा प्रभाव पड़ा, और ये भी यहूदियों की तरह हर वर्ष यरूशलेम में जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते थे। लेकिन जो पुराना नियम वो पढ़ते थे उसमें एक आशा दी गई थी, उसमें एक आशा दी गई थी कि कोई आने वाला है जो पूरे जगत का उद्धार करेगा, जो पूरे जगत का राजा होगा, वो एक व्यक्ति अभी भी आने वाला है। तो यूनानी लोग अभी भी समझते थे कि हमारा विश्वास अभी अधूरा रह गया है, क्योंकि हमारी आशा पूरी नहीं हुई है अभी कि कोई आने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी भविष्यवाणी थी पुराने नियम में जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यशाया 7:14 में, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, उसकी पदवी इमैनुअल रखेगी, यानी परमेश्वर हमारे संग है। तो उनको लगा ये कौन कुंवारी है और कुंवारी कैसे गर्भवती होगी। दूसरी चीज, यशायाह 9:6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो ये भी उनको इंतजार था कि ये बालक ऐसा कब उत्पन्न होगा, कब पुत्र दिया जाएगा, इसका अर्थ क्या है कि पुत्र दिया जाएगा। और फिर और एक था वचन, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और बचाने वाला है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर सवार हुआ आएगा। कौन होगा ऐसा राजा जो गधे पर बैठकर आएगा, कौन ऐसा बालक होगा जो एक कुंवारी के द्वारा जन्मेगा, और कौन है वो जो अनंत काल का भी पिता है और जो पराक्रमी परमेश्वर है, जो अद्भुत है, युक्ति करने वाला है और शांति का राजकुमार है। तो यूनानी लोग इस बारे में, उनके मन में प्रश्न चिन्ह था। और जब वो यरूशलेम आए थे पर्व में, पहले महीने में, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसके आसपास बहुत सारे लोग थे, वो गधे पर बैठा हुआ प्रवेश कर रहा है और लोग उसका जय जयकार कर रहे हैं। और तब उनको दिल में हुआ कि क्या यही वो व्यक्ति है, क्या यही वो बालक है जो जन्मा और आज जवान है, और यही क्या इज़राइल का राजा है, जगत का उद्धार करता है। उनके दिल में बड़ी जिज्ञासा हुई उसको जानने की। उन्होंने सोचा कितना दीन व्यक्ति है ये, गधे पर बैठकर आ रहा है, कोई होता तो शेर या सिंह या हाथी या चीते पे या भालू पर बैठ के आता, और ये एक तुच्छ जाने हुए गधे पर बैठकर आता है। उस गधे के लिए भी लोगों ने चदरे और अपने कपड़े बिछा दिए। यीशु के कारण गधे को भी आदर मिल गया, बहुत सारे गधे आज आदर पाते हैं यीशु के कारण। मैं भी कई बार एहसास करता हूं कि मुझ जैसे गधे को भी प्रभु यीशु ने चुना। तो जब उन्होंने ये बातें देखी तो वो अपने प्रभु के चेले के पास आए, यार हमें मिलवा दो उससे, सिफारिश करने आए, हमें मिलवा दो। और तब चेले प्रभु के पास आए, प्रभु तुझसे कुछ यूनानी लोग मिलना चाहते हैं। प्रभु ने कहा मेरी महिमा का समय आ चुका है,
और क्या महिमा का समय था कि वो क्रूस पर अपना प्राण देगा। और प्रभु ने कहा जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहेगा। अगर दाना भूमि में नहीं डाला गया तो वो अकेला ही रहेगा, अगर बोरी में है तो बोरी में अकेला रहेगा, लेकिन अगर भूमि में डाल दिया जाएगा और मर जाएगा तो उस दाने से एक नया पौधा उपजेगा, उगेगा और दाने होंगे। तो प्रभु यीशु क्या कहना चाह रहा था कि मैं वो गेहूं का दाना हूं जिसको क्रूस पर मरना अवश्य है और मैं जगत के पापों के लिए अपना प्राण दूंगा, इन यूनानियों के लिए भी दूंगा, और तब ये विश्वास कर पाएंगे और उद्धार पाएंगे, जीवन पाएंगे, लेकिन उस गेहूं के दाने का मरना अवश्य है। तो प्रभु यीशु ये सत्य बता रहा था और उसके मृत्यु से ही आज हमने जीवन पाया है जिन्होंने उस पर विश्वास किया। गेहूं का दाना जब भूमि में डाला जाता है तो नया पौधा निकलता है जो फिर बाद में और बाले और गेहूं के दाने उसमें लगते हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए मर गया, उस गुफा में उसको दफना दिया, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जीवित परमेश्वर है और उन सच्चे खोजियों ने प्रभु यीशु को आखिर में जाना, मुझे पता नहीं उस दिन या बाद में, लेकिन वो सच्चे खोजी थे। और दुनिया भर में कहीं भी सच्चे खोजी होते हैं, मैं चुनौती देता हूं वो प्रभु यीशु के पास ही आते हैं। ये मुझे नहीं पता कैसे सच्चे खोजी प्रभु यीशु के पास ही आते हैं, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन यीशु है। क्या तुमने यीशु को चखा है? चक्कर देखो यीशु कैसा भला है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।